दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं वी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग सीरीज का पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा एक गैप हो गया था, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग सीरीज के। पहले ऑलरेडी मैं दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखे हैं। उनमें हम लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मिक्सचर वगैरह जो भी था इन सब का वो सीख लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर सीरीज यानी वर्ग और क्यूब सीरीज। यानी घन श्रृंखला श्रृंखला, ठीक है। इन दोनों श्रृंखला को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलिए, इन दोनों श्रृंखला को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ जो इसमें अप्लाई होंगे और उनको आपको याद रखना है कि अच्छा इनमें से भी कुछ ना कुछ हिंट हो सकता है हमारे पास। जैसे स्क्वायर के लिए एच स्क्वायर प्लस माइनस वन टू थ्री डैश डैश डैश, मतलब प्लस एच स्क्वायर में यानी किसी नंबर के स्क्वायर में एक जोड़ दिया हो, दो तीन चार या वही संख्याएं क्या कर दी हो, घटा दी गई हो, या एच स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया हो वन, या एच स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया हो टू, एच स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया हो थ्री, आगे भी ऐसे ही, ठीक है। या फिर क्या होता है, जैसे मुझे कोई डिजिट दी गई होती है, उस डिजिट में मैं स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उसी सीरीज में कंटिन्यू होती चली जाती है। नई डिजिट बन के आएगी उसमें अगले स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, अगली डिजिट बन के आएगी उसमें स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, और ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू होती चली जाती है। सेम चीज इसमें क्या होगी, क्यूब में होगी एच क्यूब प्लस माइनस वन टू थ्री एंड सो ऑन, एच क्यूब मल्टीप्लाई वन, एच क्यूब मल्टीप्लाई टू, एच क्यूब मल्टीप्लाई थ्री, कुछ इस तरीके से। और सेम जैसे डिजिट को एच क्यूब में ऐड अप कर दिया, नई डिजिट बन के आई उसमें फिर से एच क्यूब कर दिया, नई डिजिट बन के आई उसमें फिर से एच क्यूब कर दिया, और ये भी क्या हो गए, चेंज होते चले जाएंगे, है ना भाई, नया डिजिट होता चला जाएगा या फिर सेम डिजिट का होगा जैसे भी, ठीक, कुछ इस तरीके से सीरीज बन के आएगी। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्टअप करते हैं, तभी हम लोगों की समझ में आएगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। दिया हुआ है जैसे पहला एग्जाम्पल है 1, 5, 14, 30, 55, 91 और आपसे नेक्स्ट डिजिट पूछा है क्या होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट डिजिट पूछा है क्या होगा, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले बीच में हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच चार का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 9 का, इन दोनों के बीच 16 का, इन दोनों के बीच 25, इन दोनों के बीच 36। तो हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कुछ इस स्क्वायर सीरीज में सीरीज कंटिन्यू होती जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है अगला क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर होगा यानी 49, जो इस डिजिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी हम लोगों का 91 में 49 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कंटिन्यू होगा कितना बनता है, 140 बनता है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं 3, 12, 27, 48, 75, 108 एंड क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं,
पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रूटीन को ले लेते हैं, जैसे हम लोगों का एग्जाम्पल हम बीच में देखते थे डिफरेंस कितना है, कितना है 9, यहाँ कितना है 15, यहाँ कितना है 21, यहाँ कितना है 21, यहाँ कितना होगा आप उसको करके देखें 27, यहाँ कितना होगा 33, ठीक है, बन गया क्वेश्चन। तो हमें सीरीज की भी वो नहीं हुई, नीड नहीं हुई, क्वेश्चन बन गया। क्योंकि देखो अगला यहाँ पे जो अगला एग्जाम देखेंगे हम लोग 6, 6, 6, 6, तो फिर सी बात है यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 39, और इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब 108 में 39 ऐड किया जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में 147, और यही क्या होगी अगली डिजिट होगी। तो ये तो हमारा किससे हो गया, प्लस सीरीज से हो गया। लेकिन इसमें अगर हम लोगों का कि क्या है, हर किसी का दिमाग अलग अलग चलता है, तो हमारा एक नॉर्मल सीरीज पे हो गया। मान लिया हम लोगों को इसमें और कुछ सोचना होता तो क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं में है स्क्वायर सीरीज पे आया हुआ है, तो ऐसी बात है कुछ ना कुछ स्क्वायर का भी रोल इसमें रहा होगा। ये तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। अब इसको एक बार हम स्क्वायर सीरीज पे भी देख लेते हैं। 3 में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया। अगला 3 में ही 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 में 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 में 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 में 5 का स्क्वायर, फिर 3 में 6 का स्क्वायर, तो अगला 3 में किसका हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तब भी क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 49, जो भी कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। कहाँ से मिला हम लोगों को, बी एच स्क्वायर से मिला ना, डिजिट में एच का स्क्वायर आ गया वही हम लोगों का, और इस पे हमारा क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। हमें ऐसे भी कर लिया, जिसका जैसा माइंड चले, जिसका जैसा माइंड सेट, वो वहीं से ही हिंट लेके उसको कर सकता है, ठीक। नोट डाउन कीजिए, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया गया है 444 443 439, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क 414 और 389, मतलब क्या है, जो मिडिल टर्म है उसमें ये फाइंड आउट करने को दे दिया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि इसकी अप्रोचेस क्या हो जाती हैं, हम वो देखना हमें जरूरी होता है। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में मुझे पता नहीं और ना ही इन दोनों के बीच में पता, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। कहीं स्क्वायर में माइंड करके चलो, 1, 4, अगला क्या आना चाहिए 9, उससे अगला 16, तभी तो क्या आएगा हमारा 25। बात समझ में आ गई ना, किसका, 1 का स्क्वायर माइनस हुआ है, फिर 2 का स्क्वायर माइनस हुआ है, फिर 3 का स्क्वायर माइनस हुआ, फिर 4 का स्क्वायर माइनस हुआ, और फिर किसका स्क्वायर माइनस हुआ, 5 का। तो ऑब्वियस सी बात है, बीच में जब सीरीज माइनस 439 में से 9 माइनस होगा तो क्या बनेगा, 430 बनेगा। आंसर को चेक करने के लिए 430 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 414, और ये मेरा आंसर होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये नोट डाउन कीजिए, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दिया है 3, 12, 25, 48, 75। हम लोगों से पूछा है गलत पद कौन सा है, रॉन्ग टर्म है वो कौन सी है, जो गलत पद है वो कौन सा है। यहां पे प्रॉब्लम एक हो सकती है कि हम लोग जब इसमें नॉर्मल तरीके से चलेंगे 9, 13, 23, 27,
नौ तेरह तेईस सत्ताईस, इन दोनों के बीच में चार, फिर आया दस, फिर आया चार। हम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से टर्म यहाँ पे गलत हो गए, क्यों? हम लोगों को लगेगा दो सीरीज बन के चल रही है, ठीक है, तो गलत तत्व तो हमें समझ में नहीं आएगा। बेटर एक बार क्या करो, स्क्वायर चेक करो, है ना, स्क्वायर चेक करो किस तरीके से किया गया होगा। स्क्वायर किया है दो चार छ आठ दस, इनका स्क्वायर करो और इनके स्क्वायर में से वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर माइनस करके चलो। टिपिकल बना दिया गया क्वेश्चन, दो का स्क्वायर चार माइनस एक यानी तीन, सही है, चार का स्क्वायर सोलह माइनस चार यानी बारह, सही है, छत्तीस माइनस नौ पच्चीस, सही है। देखा, और सीरीज में वहीं पे गलती दिख रही थी ना भाई, चार दस चार में, इसलिए हमने ये कंटिन्यू कराया, ठीक। नेक्स्ट, सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटीन, ये कितना हुआ, 64 में से 16 को माइनस किया तो कितना आ गया 48, और 100 माइनस 25 कितना आया 75, तो ये भी बिल्कुल ठीक निकल गया। तो फिर गलत कद कौन सा है इसमें, 64 14 16 ठीक है, 99 36 सॉरी 27 होगा, सॉरी हाँ तो गलती हो गया, ठीक है 27 होगा। तो गलत पद कौन सा आ गया हमारा 25 आ गया, माफ कीजिए वो थोड़ा सा तेजी में निकल गए थे इसलिए वो पद आ गया, 36 में से मैंने 9 को माइनस करके 25 11 माइनस कर दिया था, ठीक है चलिए कोई नहीं, यहाँ पे अब क्लियरिटी हो गई कि कितना आ गया 27। वहां से भी हमें थोड़ा सा पता चल ही रहा था इंट से कि चार दस चार कहीं ना कहीं गड़बड़ी बीच में, क्या एग्जैक्ट गड़बड़ी है वो हमें यहाँ से पता चल गई है, और गलत पद कौन सा है 25 है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक बारह सॉरी एक दो बारह एक सौ सोलह एक आठ आठ आठ, इसमें भी वही पता करना है कि गलत पद कौन सा है, ठीक है चलो। इसका मतलब क्या है, वन प्लस वन स्क्वायर हुआ है, नेक्स्ट में टू प्लस टू स्क्वायर तो हम कह ही नहीं सकते हुआ है, ये कह के चलो इस वन में एक प्लस हुआ और वन के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया, इस टू में वन प्लस करो और टू के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, यानी दो और एक तीन, तीन में गुना चार बारह। अब अगले के लिए हम लोगों को क्या करना है, प्लस वन कर लो यानी कि तेरह और गुना में तीन का स्क्वायर यानी कि नौ, कितना होता है 117 होता है, यहाँ पे कितना 116, तो गलत पद तो हमें पता चलेगा कितना है। हिंट के लिए आगे बढ़ेंगे, 117 में प्लस वन करेंगे और अगली टर्म किसकी है, चार की, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर करके, यानी कि 118 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1888, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा गलत पद का 116 है, ठीक। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको स्क्वायर सीरीज के लिख देता हूं, उनको आप ट्राई करना, देन उसके बाद में हम लोग क्यूब सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, एक बार अपन को ट्राई कर लेना, ये सभी स्क्वायर सीरीज पे बेस्ड है, ठीक है नोट डाउन कर लो आप, उनको ट्राई करना, ये क्वेश्चन है, ये उनके सामने आंसर है। जो कोई पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी कि इससे पहली सीरीज कहाँ गई, तो ये बाकी की दो वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर वीडियो जब आप कंप्लीट देखेंगे तो वीडियो के नीचे आपको दो लिंक मिलेंगे, वहाँ पे दो भी मिल सकते हैं चार भी मिल सकते हैं, जो आपको कम्प्लीट मैथमेटिक्स कम्प्लीट पोलिटिकल साइंस कम्प्लीट और रीजनिंग कम्प्लीट जितने भी मैंने चैप्टर्स अभी तक वीडियो में डाले हुए हैं सभी तक पहुँचा देंगे वो डायरेक्ट लिंक से, ठीक है आप उनको भी कर सकते हो,
या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में बार बार ऊपर ऊपर आता है, आप उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा वो। वहाँ भी मैंने लिंक डाला हुआ है डायरेक्ट, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डन कर लिए, चलिए देखते हैं आगे। क्यूब सीरीज पे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्यूब सीरीज मैंने आपको स्टार्टिंग में जब समझा दिया था, स्क्वायर और क्यूब दोनों को समझाया था, वही कंटिन्यू फॉर्मेट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 8, 27, 64, 125 क्वेश्चन मार्क। बड़ी ही आसान सी सीरीज है, ठीक है। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या करना है। 8 यानी 2 का क्यूब। आप प्लीज एक काम कीजिए, पहले तो 25 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लीजिएगा और 15 तक कम से कम क्यूब याद कर लीजिएगा। प्लीज इतना तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अगला कितना आना है 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आपका एक क्वेश्चन तो यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं उसी में ही। इजी था, तो नहीं थी, डायरेक्टली आंसर था 6, 24, 60, 120। 6, 24, 60, 120 और क्वेश्चन मार्क। 6, 24, 60, 120, ठीक। अब आपको दिया गया है 6, 24, 60, 120, आगे क्या आएगा, क्या करना है। कुछ 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 हिंट आ रहा है। क्या हिंट आ रहा है, 6 के आसपास क्यूब होता है 8 का, 8 मतलब 2 का। 24 के आसपास होता है 27, यहां होता है 64, यहां होता है 125। अब देखो किस किस के क्यूब होते हैं। ये क्यूब होता है 2 का और उसमें से 2 ही माइनस कर दिया गया। ये क्यूब होता है 3 का और उसमें से 3 ही माइनस कर दिया गया। ये क्यूब होता है 4 का और उसमें से 4 ही माइनस कर दिया गया। अब जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, एच क्यूब में से प्लस माइनस 1, 2, 3 कर लो। अब एक काम और कर लो, वहां पे एच क्यूब में से प्लस माइनस एच और कर लो। ये आपको डायरेक्टली एक और हिंट देके चलेगा, ठीक है। तो वहां पे जब मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा था, बेस तो वही है 2, 3, 4, लेकिन क्या करो, एक और डाल लो एच क्यूब में से एच को ही माइनस, मतलब जिसकी डिजिट का क्यूब किया उसी को ही माइनस। ये सेम आप स्क्वायर में भी डाल देना, ठीक है। ये आपको हिंट एक और देगा, जितने भी हिंट है इकट्ठा करो, हिंट लिख दो सीरीज में, स्क्वायर क्यूब सीरीज में हिंट लिख दो, हेल्प होती है। 5 का क्यूब हुआ 5 ही माइनस। अब अगला इसका मतलब 6 की बारी है भाई, 6 का ही क्यूब हुआ और 6 ही माइनस, तो कितना आ गया 210, क्योंकि 6 का क्यूब अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 216 होता था, उसमें से 6 माइनस किया तो कितना आ गया 210 आ गया, ठीक। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हिंट में हो गया। अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है और उसे कैसे करना है। क्यूब की जब भी सीरीज आती है बहुत इजी सी आती है, ज्यादा टफ नहीं आता, क्योंकि पता है उनको भी क्यूब निकालना टफ हो जाता है थोड़ा सा। 95, 94, 86, 59 और अगला पूछ लिया, समझ गए आपके, आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस भी क्या करना है, क्यूब 1, यहाँ पे कितना है 4 और 4, 8, यहाँ पे कितना है 60 में 2, 26, 27 ऑब्वियसली, तो 1 का क्यूब माइनस, 2 का क्यूब माइनस, 3 का क्यूब माइनस, तो 4 का क्यूब माइनस, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। 59 में से जब आप 64 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले हिंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दो सात अट्ठाईस साठ एक सौ छब्बीस 215, 344 और इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि गलत पद क्या होगा भाई।
मजा तो इन्हीं क्वेश्चंस में आता है, गलत पद क्या होगा? चल हमसे कहता है, हिंट मारो, हिंट मार के चलो। दे 2, 7, 28, 60, 126, 100, 16। हो गया काम। 1 का क्यूब प्लस 1। अब इसके आगे की सीरीज देखो, 7 आता है 8 के पास, यानी कि 2 का क्यूब और -1। 28 किसके पास आता है? 27 के, यानी 3 का क्यूब और +1। कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है, आगे बढ़ेंगे हम इसको छोड़ के। अभी 5 का क्यूब, क्योंकि ये 4 के आसपास का होगा, है ना, 4 का क्यूब और जो भी प्लस माइनस हुआ होगा वो। 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। तो हमें गलत पद मिल गया, 60 है। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, फिर 3 का प्लस 1, फिर 4 का माइनस 1 आना चाहिए था। 4 का क्यूब होता है 64, -1 आया तो कितना हो गया? 63। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है? 7। तो हमारा जो गलत पद है वो मिल गया। लेकिन नेक्स्ट जो 126 दिया हुआ है उस पे आप देखेंगे 5 का क्यूब प्लस 1, फिर अगला 6 का क्यूब माइनस 1, और वही सेम से डिजिट कंटिन्यू होती चली गई। तो हमारा गलत पद क्या था? 63 था, जो हमें मिल गया। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसको आप देख लेना जो भी होंगे, ठीक है, उनको ट्राई करेंगे आप लोग, और क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे, सीरीज में सीखेंगे। सीरीज में सिर्फ प्रैक्टिस ही है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपको अच्छी होगी, आपको हिंट मिलने शुरू होंगे, और हिंट के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? गलत पद निकालना है। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? गलत पद निकालना है। ठीक, निकालते हैं। 1 का क्यूब माइनस 1 तो 0 ही होगा। आगे देखते हैं क्या क्या होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे कुछ देखेंगे। 4 आया है, ये तभी आ सकता है जब 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर माइनस हो। अगला है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 27 माइनस 9, तभी क्या आएगा? 18 आएगा। हमें तो गलत पद निकालना है, क्या बताइए गलत हो? आगे कंटिन्यू करेंगे। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, वो भी ठीक है। 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, 49, वो भी ठीक है। इसका मतलब हमारा जो 19 था वो हिंट पे क्या आ गया? बिल्कुल ठीक आ गया। क्या आना चाहिए उसकी जगह पे? 18 आना चाहिए। उसकी जगह पे क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो गलत पद क्या है हमारा? 19 है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर था। ठीक, ये भी आपका कंटिन्यू होगा। मैं कुछ क्यूब के एग्जांपल्स आपको लिख देता हूँ, आप उनको ट्राई कर लीजिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा सीरीज को, ठीक है। आपको तो हम बताते ही रहेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहेंगे। आज स्क्वायर और क्यूब सीरीज खत्म हो जाएगी। आप क्वेश्चंस लिख देता हूँ, उनको ट्राई कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने क्यूब पे लिख दिए हैं, वैसे भी क्यूब बहुत कम आता है, लेकिन हमें तो सीखना है, तो आप उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं, नोट डाउन कर लो एक बार उनको, ठीक है। दोस्तों आज आपका सीरीज का जो स्क्वायर सीरीज और क्यूब सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना किसी कोई भी जो बुक आप रेफर कर रहे हो वहाँ से आप सीरीज बनाते रहिए, हिंट मिलते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है, सीखते रहेंगे। जिन्होंने अब तक का ये पहली बार अगर देख रहा हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बार पीछे ले जो वीडियोज़ हैं सीरीज की वो देख लीजिए। इसके अलावा जब वीडियो अभी खत्म हो जाएगी तो आपके ये नीचे आपके 2 लिंक मिलेंगे, वो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए हेल्प करेंगे, कि आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएंगे हर एक वीडियो के।
दूसरा जब वीडियो स्टार्ट होती है तो ऊपर स्टार्टिंग में आता रहता है, आप उनको भी कर सकते हो क्लिक, वहां से भी आप डायरेक्टली जा सकते हो वीडियोस पे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बार बार में कमेंट आते हैं कि सर हमें वीडियो नहीं मिल रही है, तो इस तरीके से वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग सीरीज, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।